हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे दिव्यांगजनों की तरफ से कि सर, हमारे पास IRCTC का जो कॉन्सेशन पास होता है वो उपलब्ध है, लेकिन हम टिकट बुकिंग नहीं करा पा रहे हैं। तो बहुत सारे दिव्यांगजन का कमेंट्स आ रहा था, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहा था मुझे कि जो मेरा नाम मिसमैच बता रहा है या फिर किसी का कार्ड नंबर वो भरने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण उनका टिकट बुक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं चंद सवालों को लेकर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही आप लोगों के लिए बना दिया जाए, जिसमें मैं सारा कुछ आपका क्लियरिफाई कर दूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने जितने दिव्यांगजन साथी है उन सभी में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि दिव्यांगजनों के प्रति कोई भी नई सूचना आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, ये आपका जो है ये कंसेशन पास है जो भारत सरकार रेलवे मंत्रालय जारी करती है दिव्यांगजनों के कंसेशन के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ कुछ जानकारियां है भरी हुई है पास में, जो रेलवे मंत्रालय आपका DRM ऑफिस से आपको फिलअप होता है। ये आपका पास DRM ऑफिस से ही इशू होता है। तो जिनके पास ये पास नहीं है, अगर आप हकदार है कॉन्सेशन के, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। DRM ऑफिस में सारे अपने जो दस्तावेज है वो ले जाकर, और वहां पे आपको एक फॉर्म फिलअप करेगा, साथ ही साथ जो जरूरी दस्तावेज है जैसे आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी दस्तावेज है दोस्तों जो जरूरी है वहां पर आपको सबमिट करने होंगे। तो दोस्तों, उसका एक अलग वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध है कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, पूरा डिटेल प्रोसेस उसमें बताया गया है, क्या क्या जरूरी दस्तावेज आपको सबमिट करने होंगे। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जान सकते हो क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे इस IRCTC के जो रेलवे पास है दिव्यांगजनों के लिए ये प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या क्या जरूरी जानकारी आपको देनी पड़ती है, क्या क्या जरूरी जानकारी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, जिसे आप IRCTC के थ्रू आप अगर बुक कर रहे हो अपना टिकट, तो क्या क्या जानकारी, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है, तो उसकी जानकारी के लिए दोस्तों आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने होता है जब आप IRCTC का जो ऑफिशियल वेब है रेलवे कनेक्ट है, तो दोस्तों आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और दोस्तों, कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुलेगा। तो दोस्तों, फॉर्म में क्या क्या जरूरी जानकारी है, सबसे पहले जो आपका कंफ्यूजन आता है दिव्यांगजनों का, वो है नाम के प्रति। दोस्तों, एप्लीकेशन में क्या है कि अप टू 16 कैरेक्टर तक ही आप फिल कर सकते हो। अगर आपका नाम बड़ा है तो यहाँ पर क्या बताया गया कि आपको अपना जो नाम है वो 16 कैरेक्टर के अंदर ही फिलअप करना है, उसके ऊपर अगर होता है तो वो लेता नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए आपका नाम, जैसे मेरे पास एक कैंडिडेट है, इनका नाम जैसे आप देख सकते हो धनंजय कुमार गुप्ता पूरा नाम है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट करके लिख दिया गया है धनंजय KR.Gupta शॉर्ट में लिख दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आप अगर ये नाम अगर मान लीजिए मैं डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या बताता है कि ये मिसमैच है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आपका फॉर्म आप सबमिट करते हो उसके बाद आपका पास बनता है, तो आपका नाम अगर मान लीजिए बड़ा है तो वहाँ सर्वर में लेता नहीं है, क्योंकि सर्वर में क्या है अप टू 16 कैरेक्टर तक ही लेता है। तो यहाँ पर रेलवे जो अधिकारी रहते हैं, जो वहाँ पर जो क्लर्क रहते हैं, वो आपका नाम थोड़ा सा बदल देते हैं। जैसे आपका यहाँ पर धनंजय कुमार गुप्ता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका नाम वहाँ DK गुप्ता करके सेव होगा सर्वर में, या फिर ये हो सकता है कि धनंजय गुप्ता करके नाम होगा। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपके नाम में आती है, तो वो सारी पॉसिबिलिटी को आप एक एक बार करके ट्राई कर सकते हो, और तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि मेरा किस नाम से वहां पर सर्वर में सेव है डेटा। अगर दोस्तों उसके बाद भी आप सफल नहीं हो पाते हो, आपका नाम जो है वो फिलहाल फिर से मिसमैच बताता है, तो दोस्तों आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है कि आप DRM ऑफिस जाइए, वहां पर कमर्शियल विभाग में आप रेलवे क्लर्क से मिल सकते हो, वो आपको जानकारी उपलब्ध करा देगा कि किस नाम से आपका जो है सर्वर में सेव है। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब अगला जो आता है दोस्तों, वो आपका एज है, उम्र। तो दोस्तों, आपका एज क्या हुआ वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपका एज है, करेंट
ईयर से आप उसको माइनस कर देना तो आपका एज निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको जेंडर डिक्लेयर करना है कि आपका मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो जो भी आपका जेंडर है दोस्तों, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगला आता है हमारा नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, तो वो आपका इंडियन ही रहेगा डिफॉल्ट। और उसके बाद हमारा जो जरूरी है वो है क्या है, बर्थ प्रेफरेंस। तो आपको कौन सा बर्थ चाहिए, जैसे आपको लोअर बर्थ चाहिए, अपर बर्थ चाहिए या फिर मिडिल बर्थ चाहिए या साइड अपर साइड लोअर। तो इतने सारे बर्थ होते हैं 6 प्रकार के। तो आप जो बर्थ आपको पसंद है आप उस बर्थ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये दोस्तों ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप उसका ही स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो यहाँ पर। तो सेम टू सेम इसी तरह का आपको रेलवे का जो ऐप है वहाँ पर देखने मिलेगा। तो उसके बाद अगला हमारा आता है स्पेशल कॉन्सेशन। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिव्यांगजनों के लिए। तो यहाँ पर दो केसेस आते हैं। पहला केस ये दोस्तों कि आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो, और दूसरा केस है कि आप एस्कॉर्ट के साथ यानी अपने जो आप हेल्पर है उसके साथ सफ़र करना चाहते हो। तो दोनों का अलग अलग तरह से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आप जब अकेले ट्रैवल करेंगे तो यहाँ दिव्यांग कॉन्सेशन है देख रहे हो। तो दिव्यांग कॉन्सेशन ऑप्शन में क्या करना है, आपको सिर्फ दिव्यांग को सिलेक्ट करके और आगे की जानकारी आपको फिलअप करके आराम से आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप एस्कॉर्ट के साथ यानी अपने सहयोगी के साथ आप अगर से ट्रैवल कर रहे हो तो क्या है दोस्तों कि आपको सारा डिटेल आपको सहयोगी के डालना पड़ेगा, और लेकिन आगे का जो डिटेल है दोस्तों ये आपको अपना ही डालना पड़ेगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि आपका कंसेशन ऑप्शन अब रहेगा दिव्यांग पहला रहेगा और उसके बाद एस्कॉर्ट का सिलेक्ट कीजिएगा। अब हमारा अगला आता है कार्ड नंबर, जो कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो कार्ड नंबर में क्या भरना है दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यहाँ गौर से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद ये आपका जोन है SE आद्रा, जैसे ये जो आपका पास बना हुआ है वो कहाँ से बना हुआ है, तो आद्रा जोन से बना हुआ है, साउथ ईस्टर्न रेलवे पड़ता है, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे से बना हुआ है ये पास, इसलिए दोस्तों यहाँ पर SE आद्रा लिखा हुआ है। तो आपका जिस जोन से जिस रेलवे से पड़ा हुआ है वहाँ पर अलग कुछ लिखा होगा तो उसको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सीरियल नंबर आप देख सकते हो, जैसे है 00576, ये सीरियल नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों ये सीरियल नंबर और ये आपका जो SE आद्रा लिखा हुआ है, तो ये दोनों को मिलाकर आपका कंसेशन पास का नंबर बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो यहाँ पर कार्ड नंबर आपका है वो कैसे बन जाएगा, तो SE आद्रा लिख दीजिएगा, और उसके बाद आपका कार्ड नंबर जो आपका सीरियल नंबर यहाँ पर दिया मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुका है ये सबका सीरियल नंबर है। तो SE आद्रा के बाद आपको ये चीज वहां पर मेंशन कर देना है। तो दोनों मिला के आपका कार्ड नंबर आपका हो जाएगा। अब अगला आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आप आसानी से भर सकते हो, जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ कार्ड में मेंशन है तो वही सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर भर देना है। आप चाहे सिलेक्शन के ऑप्शन यहाँ मिलता है, सिलेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं वैलिडिटी अप टू। तो देखिए यहाँ पर वैलिड अप टू लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर कार्ड में देखिएगा यहाँ पर क्या क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया गया कार्ड वैलिड अप टू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डेट है मेंशन, तो इसी डेट को आपको यहाँ पर लिख देना है, या फिर आपको सिलेक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, छोटा सा चेक बॉक्स है, तो इस बॉक्स को कैलेंडर बॉक्स को आप क्लिक करके आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि किस डेट तक आपका जो कार्ड है वो वैलिडिटी है किस डेट तक। सो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की, आपको दिखाने की कि आप रेलवे का जो ये इंफॉर्मेशन है आप कैसे आप फिलअप करो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, चाहे आप ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर रहे हो या कंप्यूटर या लैपटॉप से या फिर कहीं से भी आप टिकट बुक कर रहे हो ऑनलाइन के माध्यम से। तो यही जरूरी जानकारियां है जो आपको वहां पर देनी पड़ेगी। अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो क्या है कि आपका टिकट रियायती दर पे नहीं कटेगा और यहां क्या बताएगा मिसमैच, तो इससे क्या है कि आपको परेशानी का सामना करने को मिलेगा और आपको हो सकता है कि ऑफलाइन टिकट स्टेशन में जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अगर किसी प्रकार की आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न मन में आता है, तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए
कि आपको क्या डाउट है। मैंने अब कोशिश की है दोस्तों कि आपको पूरी तरह समझाने की, जो आपका जो डिफिकल्टी जो प्रॉब्लम आता है दिव्यांगजनों का, वो है नाम में और आपका कार्ड नंबर में। तो दोनों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा पूरी डिस्कस कर दिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि इसका बेनिफिट उन सभी लोगों को मिल जाए जिनको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिक्कत आती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।